हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये 2 टन का एसी है और इसमें प्रॉब्लम है कि ये कूलिंग करता है एसी, लेकिन क्या होता है 5 मिनट तक कूलिंग करता है, उसके बाद ये कूलिंग बंद हो जाता है, यानी एसी बंद हो जाता है। 5 मिनट के बाद बंद होकर तुरंत फिर से चालू होता है, फिर 1-2 मिनट के बाद एसी चालू हो जाता है, उसके बाद फिर 4-5 मिनट चलता है और कूलिंग होता है और फिर से ये एसी बंद हो जाता है। अभी आप देख पा रहे हैं, अभी ये एसी फ़िलहाल चालू है, ठीक है। अभी मैंने इसका कुछ भी ओपन करके नहीं देखा है, मैं सोचा कि पहले आपको वीडियो बना के बता दूं कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको भी मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, आखिर ये एसी ऐसा क्यों हो रहा है कि चलते 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 4-5 मिनट चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है और फिर से 1-2 मिनट के बाद फिर अगेन यानी दोबारा चालू होता है और फिर कूलिंग करता है। यानी कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बंद हो जाता है और 1-2 मिनट के बाद चालू होता है, इसीलिए कूलिंग ज़्यादा नहीं हो पाता है, बहुत लिटिल बिट कूलिंग हो पाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि रूम टेम्परेचर मेंटेन हो जाता होगा जिसके वजह से कट ऑफ हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूम टेम्परेचर बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होता है। इसका सेटिंग पॉइंट 18 है लेकिन रूम टेम्परेचर 24 है, उसके बाद भी ये कट ऑफ हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी एसी चालू है और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी आप देखिएगा, ये एसी फ़िलहाल तो चालू है, अभी आपके सामने ही एसी ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, इसके प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो एसी बंद हो गया, आप देख पा रहे हैं एसी बंद हो गया एसी बंद हो गया, चलते चलते अचानक आउटडोर बंद हो गया। अब अचानक बंद हो गया, अब 2-3 मिनट के बाद ये फिर से दोबारा चालू हो जाएगा। दोस्तों, आइए मैं इसका प्रॉब्लम बताता हूँ, और इसका प्रॉब्लम एक नहीं, कम से कम 3-4 प्रॉब्लम है। सबसे पहले, अगर आपका ये कंडेंसर कॉइल, यानी ये जो पीछे लगा हुआ है एसी का कंडेंसर कॉइल, अगर डस्ट होगा यानी कचरा होगा तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल क्लीन है, इसमें थोड़ा भी मिट्टी नहीं है, ये यानी ये कंडेंसर का प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर गैस ज़्यादा हो, अगर गैस जैसे मान लीजिए हमारा R22 का बैक प्रेशर 65 होता है, अगर ये 70 से ज़्यादा हो, यानी 80 प्लस के आसपास हो, 75 या 80 के आसपास हो, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि ये सेफ्टी डिवाइस जो HP का लगा हुआ है, हाई प्रेशर जो स्विच है, वो स्विच गैस ज़्यादा होने की वजह से AC को बंद कर देगा, चलने नहीं देगा। 5-4 मिनट के बाद AC बंद होता रहेगा और चालू होता रहेगा। तो दूसरा ये सेकेंड चीज़ हो गया, और तीसरा आपका चीज़ ये हो गया कि इंडोर का जो यूवा प्रेटर है, यानी डक्टेबल AC के मैं बारे में बता रहा हूँ, यूवा प्रेटर है, अगर उसके पीछे मिट्टी बहुत ज़्यादा हो या नॉर्मल भी मिट्टी हो, जैसे हवा अच्छे से नहीं पास करता हो, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो आइए पहले हम चार्जिंग लाइन लगा लेते हैं और इसका बैक प्रेशर और एम्पियर चेक कर लेते हैं, और सेकेंड नंबर पर हम इंडोर में जाएंगे, इसका यूवा प्रेटर चेक करेंगे, अगर यूवा प्रेटर में थोड़ा मिट्टी होगा तो उसको क्लीन करेंगे। दोस्तों, एसी फिर से चालू हो गया है और मैं क्लेम मीटर भी लगा लिया हूँ और चार्जिंग गेज लाइन भी लगा लिया हूँ। आप देख पा रहे हैं ये हमारा गेज है और इसमें कितना बैक प्रेशर जा रहा है, आप ज़रूर देखिए, ये आप देख पा रहे हैं 75 जा रहा है, ठीक है दोस्तों, 75 जा रहा है, यानी बैक प्रेशर ज़्यादा है। बैक प्रेशर अगर ज़्यादा रहेगा तो एसी हमारा बंद होगा, चालू होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 75 एकदम करेक्ट 75 गैस है, बैक प्रेशर है, यानी बैक प्रेशर हमारा ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि डस्ट तो है नहीं और ये हमारा एम्पियर है।
एम्पियर फिलहाल तो सही ले रहा है, लेकिन गैस का बैक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, तो हमको करना क्या है, थोड़ा सा गैस को निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा गैस निकाल के हमको इसका जो बैक प्रेशर है वो 65 के आसपास करना पड़ेगा। अब देख पा रहे हैं फिर बंद हो गया, बंद हो गया। दोस्तों मैं यू ऑपरेटर को ओपन कर दिया हूँ। अब देख पा रहे हैं इसका फिल्टर में साइड से निकालने के बाद कितना ज़्यादा डस्ट इसमें दिख रहा है। मतलब ज़्यादा डस्ट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत डस्ट है इसको। इसमें क्या करेगा, मैं वायर ब्रश से इसको क्लीन कर दूँगा। क्लीन करने के बाद से ये जो एयर पास नहीं हो पा रहा है अच्छे तरीके से, वो एयर पास होने लगेगा। उसके बाद से क्या करेगा, मैं आउटडोर में जाके थोड़ा सा गैस को रिमूव करूँगा, और गैस को रिमूव करने के बाद से हमारा जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत इसमें मिट्टी है यू ऑपरेटर में, जिसके वजह से इसको एयर लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये यू ऑपरेटर को क्लीन होना चाहिए। दोस्तों आपने देखा कि कितना डस्ट था इंडोर यू ऑपरेटर में, मतलब ज़्यादा तो नहीं था फिर भी थोड़ा बहुत था। उसको मैंने ब्रश से क्लीन कर दिया है, उसको मतलब ब्रश से जितना हो सका उतना क्लीन कर दिया है, और बैक प्रेशर भी ज़्यादा है गैस का, तो उसको भी मैं थोड़ा सा निकाल दिया। अभी हमारा एसी सही है, अभी फ़िलहाल चालू नहीं हुआ है। अभी एसी जैसे चालू होगा हमारा जो बैक प्रेशर और एम्पियर का जो सेटिंग है एकदम, वो जब सही हो जाएगा तो हमारा जो एसी है बार बार बंद होगा चालू होगा वाला बीमारी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यही बीमारी की वजह से, यही प्रॉब्लम की वजह से एसी हमारा बंद होता है चालू होता है। और दोस्तों इसमें एक और प्रॉब्लम है, अगर आपका आउटडोर का मोटर ख़राब हो जाए, हीट होकर बंद जाए, तो कंप्रेसर आपका कंटिन्यू चलेगा, उस सिचुएशन में भी एसी बंद होगा चालू होगा, बंद होगा चालू होगा। तो बहुत सारे रीज़न है एसी का बंद होना चालू होने के लिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।